नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेटवर्क और मैं हूं शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर में सरकारी टीचर्स पर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर अब रोक लगा दी गई है। पूरी जानकारी क्या है आपसे साझा करेंगे। आपको बताते चले कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें तो आलोक कुमार ने एक आदेश जो है वो जारी किया गया, और इस आदेश को किस संदर्भ में बताया है आपसे साझा करेंगे। आपको बताते चले कि जिस तरीके से सभी सरकारी टीचर्स को, यानी कि जो सरकारी टीचर हैं जो कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन पर अब रोक लगा दी गई है। यानी कि अब साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो भी सरकारी टीचर है वो ट्यूशन या कोचिंग सेंटर में जाकर ट्यूशन जो है वो नहीं पढ़ा सकते। और वहीं पर साफ तौर पर यह भी कहा है, आदेश की बात करें तो ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो छुट्टी पर हो या फिर ड्यूटी पर हो, कोई भी निजी व्यवसायिक काम जो है वो नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो छुट्टी पर है या फिर छुट्टी पर नहीं है तो कोई भी अपना पर्सनल काम जो है वो उस समय नहीं कर सकता। ये रोक जो है वो लगा दी गई है। और इसी तरह कोई भी सरकारी शिक्षक यानी कि टीचर प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकता, साफ तौर पर ये कहा गया। और वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि प्रमुख सचिव ने कहा है कि शिकायतें मिली हैं, यानी कि आपको बताते चले कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसके चलते ये रोक जो है वो लगानी पड़ी। शिकायतें क्या कुछ हैं आपको बताते चले कि शिक्षक स्कूल समय में ही निजी कोचिंग सेंटरों में पढ़ा रहे थे, जिसके चलते सीधा सीधा शिक्षा विभाग के नियमों के खिलाफ है। यानी कि आपको बताते चले कि जिस तरीके से प्राइवेट ट्यूशन्स की बात करें, कोचिंग सेंटर की बात करें, तो जिस तरीके से सरकारी टीचर जो है वो ट्यूशन्स पढ़ाते थे, अब उन पर साफ तौर पर रोक लगाई दी गई है। और शिकायतों की बात करें तो शिकायतें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसके चलते कहा जा रहा है कि स्कूल के समय में ही ट्यूशन जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता था, जिसके चलते बच्चों पर काफी असर जो है वो सामने आ रहा है, जिसके चलते ये रोक जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा सरकार जल्द ही इस संदर्भ में टोल फ्री नंबर भी जारी करने जा रही है। यानी कि अगर कोई भी आपको दिखता है, टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया जाएगा, जिसके चलते अगर आपको कोई भी सरकारी टीचर जो है वो कोचिंग सेंटर में जाके ट्यूशन जो है वो पढ़ा रहा है, तो आप जो है इस टोल फ्री नंबर पे जाके शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर जो है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। और वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के प्रधान कुलदीप सिंह बंदराल ने इसका स्वागत किया गया है, और इसका यानी कि इस आदेश का स्वागत किया गया है। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल में बच्चों को मिलेगा, क्योंकि स्कूल में बच्चों को लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे शिक्षक का ध्यान जो है उन पर ही रहेगा। जिस तरीके से कोचिंग सेंटर जो है वो शुरू कोचिंग सेंटर में जाके ट्यूशन से जो है वो टीचर पढ़ाते हैं, सरकारी टीचर की बात करें तो सरकारी टीचर जो है वो कोचिंग सेंटर में जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल पर जो है, स्कूल के बच्चों की बात करें तो असर जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि जिसके चलते शिकायतें मिल रही हैं कि स्कूल के समय में ही ट्यूशन जो है वो पढ़ाई जा रही है, और कहीं ना कहीं बच्चों पर इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं पर बात करें, टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जारी कर दिया जाएगा कुछ ही समय बाद। और टोल फ्री नंबर पे अगर कोई भी सरकारी टीचर जो है वो ट्यूशन पढ़ाते नजर आएंगे तो उन पर जो है एक्शन जो है वो लिया जाएगा, साफ तौर पर ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। और वहीं पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस प्रमुख सचिव ने शिक्षकों की निजी ट्यूशन पर नजर रखने के लिए जोनल स्तर पर जोनल शिक्षा अधिकारी और जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है। यानी कि अब सरकारी टीचर्स पे साफ तौर पर नजर रखी जाएगी कि क्या वो सरकारी जो टीचर्स हैं, क्या वो कोचिंग सेंटर में जाके ट्यूशन पढ़ा रही हैं या नहीं, उन पर साफ तौर पर नजर रखी जाएगी। आपका क्या कुछ विचार है, आप इसको किस नजरिए से लेते हैं, आपको क्या कुछ लगता है, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।